फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन पर। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारे पास दो अल्टरनेटर्स हैं, पंद्रह हजार के वी ए का, बीस हजार के वी ए का। ये जुड़े हैं जी एक ही बस बार पे जो कॉमन आ गए, और हमने फॉल्ट फाइंड करना है इस एरिए पे। इसको हम बना लेते हैं जी पॉइंट एफ। तीस परसेंट, पचास परसेंट कनेक्टर ए, कनेक्टर बी, वोल्टेज 12000 वोल्ट। सबसे पहले तो हमने इसकी लेनी है बेस की वी ए, क्योंकि जितनी शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन होती है वो सिस्टम के बेस की वी ए के मुताबिक होती है। इसलिए हमने पहले इसकी जो बेस की वी ए हमने लेनी है वो इन दोनों को ऐड कर देना है, हमारे पास आ जाएगी सॉल्यूशन। इसके लिए इक्वल टू इन दोनों को प्लस कर दें 35000 की भी आ जाएगी। अब हमने अल्टरनेटर ए की फीसद रिएक्टेंस फाइंड करनी है और अल्टरनेटर बी की भी करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका फार्मूला होता है मल्टीप्लाई 30%। ये आपके पास आएगा जी 35000 डिवाइडेड बाई 15000, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 30 से, क्योंकि आपको 69.9, तो 5 से ज़्यादा पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा वैल्यू हो तो उसको हम एक बढ़ा देते हैं पॉइंट की लेफ्ट साइड पे। तो ये हम इसको एज्यूम कर लेंगे 70%। अल्टरनेटर ए की आ गई। अब करते हैं जी अल्टरनेटर बी की। बीस हजार परसेंट आ जाएगी 35000 डिवाइडेड बाय 20000 मल्टीप्लाई 50%, 87.5। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे जो लाइन करंट है वो फाइंड करनी है 12 के वी ए सिस्टम जो है, जो हमारी बेस के वी थी 35000 के वी ए, इसमें हमने लाइन करंट फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू इसके मुताबिक। तो इसका जो फार्मूला है वो ये है आई इज इक्वल टू इसको चेक करते हैं, हम इसको फाइंड कर लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी बनती है। रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 मल्टीप्लाई 12000, 20784 आ गई है। मेरे पास बनेगा ये पॉइंट के बाद 9 है तो इसको हम 4 कर लेंगे 1684 एम्पीयर। अभी हमने इस पूरे हिस्से की जो यहाँ से दोनों अल्टरनेटर से लेके यहाँ फॉल्ट एफ तक इस पूरे सर्किट की हमने कुल फीसद रिएक्टेंस फाइंड कर ली है। तो उसका फार्मूला होता है से एक्स
b x a plus x b, जो हमने ये इसकी कुल रिएक्टेंस हमने फाइंड की थी अल्टरनेटर ए की अल्टरनेटर बी की, तो उनकी वैल्यू को फार्मूले में पुट करते हैं। अल्टरनेटर ए की आई थी 70% ट्रिपल आई 87.5 आई थी, अल्टरनेटर बी की प्लस 87.5, तो ये बनती है हमारे पास 70 plus 87.5 157.5. इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, 5 divided by 157.5, हमारे पास आ जाएगी 38.89। चलिए अब आगे देखते हैं जी शॉर्ट सर्किट करंट, क्योंकि पूरे सर्किट की हमें पता चला गया फीसद रिएक्टेंस जो थी इतनी। अभी जो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन का फार्मूला है वो ये है जी, शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू टाइम मल्टीप्लाई 100। तो इसमें वैल्यू अब लगाते हैं जी, जो आई की वैल्यू मेरे पास आई थी लाइन करंट वो थी 1684 मल्टीप्लाई 100, और ये जो पूरे सर्किट की फीसद रिएक्टेंस थी वो हमारे पास ये 38.89%। तो अभी इसको आप सॉल्व कर लो, डिवाइडेड बाय 38.89 आएगा 2.1684 मल्टीप्लाई 1684 मल्टीप्लाई 2.571, ये आपके पास आ जाएगा आंसर इसका 37। अभी पॉइंट के बाद 5 है तो इसको हम 30 अज्यूम कर रहे हैं। वो आपकी शॉर्ट सर्किट करंट है के आपकी जाएगी पॉइंट एफ, पॉइंट एफ पे जो आपकी शॉर्ट सर्किट वैल्यू आएगी वो आएगी 4330 एम्पियर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन की समझ आ गई होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों से शेयर करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, दो में मुझे याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।